हेलो गाइस, वेलकम टू ओकेला सर्विसेज। तो आज हम लोग जानेंगे एमपी सिविल जज का सिलेबस क्या है, ठीक ना, और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो एमपी सिविल जज का एग्जाम होता है उसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा की योजना है वो तीन लेवल पे, तीन फेज पे परीक्षा होती है। पहला फेज होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक ना, और कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। और फिर दूसरे फेज में होता है मेन एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होता है, थ्योरेटिकल पेपर होगा, जो कि हर एक पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें चार पेपर होंगे एमपी सिविल जज के एग्जाम में, हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो कुल मिला के 400 मार्क्स का ये पेपर होता है। फिर थर्ड फेज में आता है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार, जो कि 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये होता है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। फर्दर हम लोग एक एक चीज को देखते हैं कि हर एक जो फेस है उस फेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और कैसे इसका एग्जाम कनेक्ट कराया जाएगा, ठीक। अब देखिए, जो पहला फेस है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, जो 150 मार्क्स का है, इसमें दो तरीके के सब्जेक्ट है। एक लॉ सब्जेक्ट है जो कि 110 मार्क्स का होगा, एक अदर सब्जेक्ट है जो कि 40 मार्क्स का होगा, और ये 2 घंटे का पेपर होता है। देखिए, जो लॉ सब्जेक्ट में है इसमें सिविल लॉ एंड प्रोसीजर वाले सब्जेक्ट है और क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर वाले सब्जेक्ट है। इन दोनों में 6-6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6-6 सब्जेक्ट हैं और अदर सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक ना। तो कुल मिला के 15 सब्जेक्ट एमपी सिविल जज के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, हर एक सब्जेक्ट को जान लेते हैं। सिविल लॉ एंड प्रोसीजर में जो 6 सब्जेक्ट हैं उनका नाम है, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इसका वेटेज होता है जनरली 10 मार्क्स का, ठीक ना, भारत का संविधान का। फिर आप दूसरा सब्जेक्ट है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता, जो कि 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिर आपका थर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ठीक ना, संपत्ति अंतरण अधिनियम, जो कि 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिर फोर्थ सब्जेक्ट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविधान अधिनियम, जो कि 8 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। अब देखिए फर्दर, फिफ्थ जो सब्जेक्ट इसमें है सिविल लॉ एंड प्रोसीजर में है, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जो कि 6 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। फिर लिमिटेशन एक्ट 1963, परिसीमा अधिनियम, जो कि 4 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। अब देखिए, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर में भी 6 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, जो कि 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिर आपका आता है मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959, मध्य प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, जो कि 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिर आपका आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिर है इंडियन पिनल कोड 1861, भारतीय दंड संहिता, जो कि 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। फिर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो ये आपके 12 लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर जो अदर सब्जेक्ट 40 मार्क्स का आता है, उसमें 3 सब्जेक्ट है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जो कि 20 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर ज्ञान, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। फिर थर्ड सब्जेक्ट आता है इंग्लिश नॉलेज, अंग्रेजी ज्ञान, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। अब देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका मेन एग्जामिनेशन होता है सेकेंड फेज में, मुख्य परीक्षा, जिसमें हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा और इसमें 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। अब चारों पेपर के सिलेबस जान लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पेपर में जो हम लोग ने पहले 6 सब्जेक्ट सिविल लॉ एंड प्रोसीजर में जाना था, वो है कौन से, सिविल लॉ एंड प्रोसीजर में 6 सब्जेक्ट, वही सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। फिर सेकेंड पेपर में होता है आपका राइटिंग ऑन सोशल इशूज, लेख सामाजिक विषय पर। फिर राइटिंग ऑन लीगल इशूज, लेख विधिक विषय पर। फिर प्रिसाइज राइटिंग, संक्षिप्तीकरण लेखन। फिर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, ये हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद। फिर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये यहाँ पे आपका होता है सेकेंड पेपर। फिर थर्ड पेपर होता है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर में, जो सब्जेक्ट देखा था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो वाले सब्जेक्ट। फिर फोर्थ पेपर आपका जजमेंट राइटिंग पे होता है, किस पे होता है, जजमेंट राइटिंग पे। तो इसमें 4 सब्जेक्ट पॉइंट्स कवर होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इशूज, विवादकों का स्थितिकरण, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोपों का विरचना, जो कि 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। फिर जजमेंट ऑर्डर सिविल राइटिंग, निर्णय कितना है, निर्णय आदेश सिविल लेखन 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। फिर जजमेंट ऑर्डर क्रिमिनल राइटिंग, निर्णय आदेश
सिविल लेखन ये 40 मार्क्स का वेटेज ये भी कैरी करेगा। मतलब सिविल राइटिंग और क्रिमिनल राइटिंग पे जजमेंट या ऑर्डर लिखने होते हैं जो कि 40-40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन होते हैं। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू फेस टू फेस इंटरेक्ट करने के बाद आप जज बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एमपी सिविल जज के एग्जाम के लिए। अब फर्दर इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स और पॉइंट्स बात किए हैं उन सारे सब्जेक्ट एंड पॉइंट्स पे डिस्कस किया जाएगा, एक एक सब्जेक्ट करके डिस्कस किया जाएगा। आप हमारे साथ ज्वाइन रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं उनके स्टडी नोट्स भी डिस्क्रिप्शन लिंक में, ओके लॉ सर्विसेज का वेबसाइट है उसी पे आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। और हर एक वीडियो के लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी लिंक होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।